हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सर्व स्टार चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी और बहुत ही इजी वेजिटेबल सूप, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है और बहुत आसानी से बनता है। और लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या डाइट प्लान कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है और बहुत टेस्टी लगती है ये। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमें सिर्फ एक बार करना है। और सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे चैनल से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन की बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम वेजिटेबल सूप बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए थोड़ी फूल गोभी बारीक कटी हुई, थोड़े मटर के दाने, थोड़ी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, थोड़ी गाजर बारीक कटी हुई 2 टीस्पून के करीब, कुकिंग ऑयल, थोड़ी हरी प्याज बारीक कटी हुई, स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं इसे, हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हाफ टी स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, हाफ टी स्पून कद्दूकस किया वाला अदरक, 1 टी स्पून लेमन जूस और 1 टी स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ मैं, और अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन, उसके बाद अदरक, और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन और इसे भी लगभग 10 से 12 सेकंड के लिए सेक लेंगे। और अब एक एक करके इसमें हम सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने डाली है शिमला मिर्च, फूल गोभी, टमाटर, फ्रेंच बीन्स, गाजर, थोड़े मटर और पत्ता गोभी। और अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे तरह से हम मिक्स कर देंगे। इन सभी वेजिटेबल्स के अलावा भी आप अपने पसंद की सीजनेबल वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो। इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और अब लगभग 4 मिनट बाद ये थोड़ी पक चुकी हैं सब्जियां, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम पानी लगभग 2 गिलास के करीब ऐड करेंगे, और यदि आपको सूप थोड़ा थीक रखना है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी कम कर दें। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इसके बाद हम इसे इसका लिड कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। और अब लगभग 7 मिनट बाद ये देखिए हमारा सूप बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अच्छी तरह पक गया है। और अब ये मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। एक बार कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ी थिकनेस आएगी सूप में और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अब इसको हम वापस से लीड कवर करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। और अब हम पहले गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और अब इसके बाद इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे, एक बार मिला देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड किए हमने। और अब इसमें हम थोड़ी हरा धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कटी हुई गार्निशिंग के लिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारे सूप को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये हमारा सुपर टेस्टी और हेल्दी सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।